निकल रही हूँ फॉर लंच और ब्रंच, वट एवर यू मे कॉल इट, क्योंकि अभी 3 बजने वाला है. एंड द रीज़न व्हाई मैं अभी जा रही हूँ, बिकॉज बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. मैं सोच रही थी कि थोड़ा आफ्टरनून को चले जाती हूँ जब गर्मी थोड़ा कम हो जाए, बट हो ही नहीं रहा, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे. तो मैं अभी जाऊँगी बारकोस, जो कि डिसपुर में ही है और इस मॉल के अंदर है वो. एक्चुअली मैंने वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करके बहुत खाया है. इट इज़ बेसिकली ए चाइनीज़ रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे जाके मैं ट्राई करना चाहती हूँ ग्रीन थाई करी, जो मैं बहुत दिनों से देख रही थी. आई वॉज लाइक क्रेविंग फॉर इट. तो मैं जाके देखती हूँ वहाँ पे क्या क्या मिलता है, एंड देन गाइस आई लेट यू नो, जो भी होता है आई अपडेट. एंड वन थिंग इज़ आई रियली वॉन्टेड टू बी अ फूड ब्लॉगर गाइस, बट क्या करें, पैसे उतने नहीं है कि मैं हर वीक जाके खर्च कर दूँ बाहर. तो हाँ, अभी के लिए यही, मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी बीच बीच में. ओके देन गाइस, आई सी यू इन अ व्हाइल. लोगों को ये भी बताना भूल गए, मैं इस बार ग्लासेस लेके जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं फैंसी बाज़ार गई थी तभी यू नो गर्मी बहुत थी बाहर, एंड आई वॉज हैविंग अ सीवियर हेडेक. तो मैं इस बार आई रियली वॉन्टेड टू प्रिपेयर माई सेल्फ बिफोर हैंड, एंड दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस अलॉन्ग विथ मी. सो गाइस, तो बस यही था, यही बोलना था. गाइस सी यू इन अ बिट. गाइस हम पहुँचे हो आ गए, इट इज़ जस्ट 250 मीटर अवे, ज़्यादा दूर नहीं है 6 माइल से. बहुत गर्मी है इसलिए मैं घर से निकलना नहीं चाहती थी, तो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ. सलून भी है यहाँ पे, नाइस, बहुत शांति मिल रही है मुझे यहाँ पे आके एसी के अंदर. गाइस तो मैं फाइनली पहुँच गई हूँ बारकोस से. यह मॉल के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो मुझे चाइनीज़ चाहिए था, तो मैंने थाई ग्रीन करी चिकन का ऑर्डर किया, एंड अलोंग विद दैट बेसिल मीन्स पाव, जो कि मुझे ट्राई करना था. रिव्यू बहुत अच्छा है इसका, बेसिल मीन्स पाव का, चिकन का मैंने ऑर्डर किया है. एंड हाँ, एंड एम्बियंस बहुत अच्छा है इन लोगों का. एंड जब खाना आता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा है. तो कॉल आ रहा है, मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ. आगे आए, ये शायद किमची है, एंड दिस इज़ दी थाई करी, और ये पाव चिकन का. तो मैं खाती हूँ एंड देन आई गाइस लेट यू नो अबाउट द टेस्ट. ये मैंने ट्राई नहीं किया, अभी ट्राई करूँगी.
और ये मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, ये पैकिंग करवा के लेके जाऊंगी, ये खा लूंगी मैं यहाँ पे। चाहती हूँ कि यहाँ पे सबसे जो अच्छा डिश कौन सा है? देखिए आप अगर यहाँ बर्फूस जो नाम है ये एक्चुअली अभी का ब्रांड नहीं है, 1982 बहुत सारे ब्रांचेस है ना बाहर, उनमें से सबसे जो फेमस है आप चाइनीज के लिए अगर आना चाहते हैं गुवाहाटी में आपको सब चाइनीज रेस्टोरेंट मिलेंगे, उनमें से आपको बर्फू स्टेज मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर चाइनीज मिलेगा, थाई कुजिन और चाइनीज में डील करता है। बट अगर आप इंडिया में भी सर्च करके देखो, गूगल में आप सर्च करके देखना है तो टॉप चाइनीज रेस्टोरेंट अगर आपको देखना है तो आपको टॉप 10 में से बर्फू स्टेज मिलेगा। आप यहाँ विजिट कीजिए, आप एक बार आऊँगी। आप लोगों का खाना बहुत अच्छा है, जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये जो शेफ वगैरह है बाहर से आते हैं? जी जी, ये हम लोग का जो जितना भी शेफ है ये नेपाल से है, और एक जो हांगकांग से और एक बाकी सारा नेपाल से, और जो भी हांगकांग वाला रिसेंटली हम लोग का लेफ्ट हो चुका है 2 दिन पहले, तो अभी जो बाहर की है मतलब आउट ऑफ कंट्री है। तो आपका भी यूट्यूब है? आप देखिए मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ एक्चुअली नॉलेजेबल वीडियो। अच्छा। जैसे आप लोग अभी कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है, इसके लिए प्रिपरेशन करता है, मैं इसके लिए प्रिपरेशन मतलब इसका वीडियो बनाता हूँ। मतलब मेरा चैनल का नाम ये है, ज़रा मेरे व्यूअर्स ज़रा सब्सक्राइबर नहीं है, 9,469। अगर आपको आना है तो बर्फूस आना है, मेरा नाम बताइए या मैडम का नाम बताइए कि उसी चैनल को देख के हम लोग इस रेस्टोरेंट में विजिट किए। मैं कसम से कह रहा हूँ आप लोग, कसम करके आपको खाना अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मेरे से बताइए कि खाना अच्छा नहीं लगा, आपका पैसा मैं रिटर्न कर रहा हूँ। मैं गारंटी मिल लेता हूँ। हाँ, मैंने पहले भी यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, कुछ नूडल्स वो बहुत अच्छा था, पहले आपने ऑनलाइन में ट्राई किया था? हाँ, ऑनलाइन बहुत अच्छा लगा, आपने ऑनलाइन पहले ट्राई किया उसके बाद ऑफलाइन ट्राई किया। आप लोग भी आइए, जितना भी व्यूअर्स है आपका, व्यूअर्स है, व्यूअर्स लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने बर्फूस को भी ट्राई नहीं किया, बर्फूस एक बार ट्राई करके देखिए। चाइनीज फूड में सबसे अच्छा बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट मिलेगा आपको गुवाहाटी में, थाई कुजिन और चाइनीज कुजिन। बेसिकली थाई कुजिन में मैं बोलना नहीं चाहता, पर चाइनीज में आपको टॉप चाइनीज रेस्टोरेंट में से आपको बर्फूस एक नंबर में आएगा या 2 नंबर में आएगा, ये मेरे को गारंटी है, क्योंकि आप आके देखिए, ट्राई करके देखिए प्लीज। थैंक यू सो मच। सब पैकिंग करवा लिया क्योंकि एक पाव चिकन पाव खा के मेरा पेट भर गया था, और मैंने सर से भी बात किया है, सर्विस बहुत अच्छा है, सर भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही काइंड, बहुत ही लविंग, वेलकमिंग थे बहुत। तो अभी मैं वापस घर जाऊंगी और सब्ज़ी वगैरह शायद थोड़ी लगे लूँगी, पता नहीं, घर देखती हूँ। तो मैं आप लोगों को अच्छे से बात में जो भी है बताती हूँ घर जाके पहुँच के। बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मैं बहुत थक गई थी और मैं सो भी गई थी, पैकिंग करवा के लाई थी वो खा के मैं सो गई थी। एंड अबाउट द रिव्यू रेट, मैं तो 9.5/10 करूँगी रेस्टोरेंट को और खाने को, अच्छा खाने को मैं कर रही हूँ रेस्टोरेंट को नहीं, आई डोंट नो, आई हैवन ट्राई ऑल ऑफ द डिशेज येट, बट मैं हाँ, वेन एवर आई फील लाइक ऑफ हैविंग सम चाइनीज और थाई, मैं बर्फूस से लूँगी। एंड यस, जेन्युइनली बोलूँ तो जो भी मैंने खाया
जो भी आई हैड देयर वॉज लिटरली द बेस्ट वन अमोंग एवरी अदर रेस्टोरेंट दैट आई हैव ट्राइड बिफोर. तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, हुएवर इज फ्रॉम गुवाहाटी दे माइट हैव विजिटेड बारगोस, आई रियली डोंट नो, बट इफ़ यू गाइज हैवन विजिटेड बारगोस देन इफ़ यू रियली वॉन्टेड टू ट्राई चाइनीज और थाई देन ऑफकोर्स आई रिकमेंड यू गाइज टू गो देयर इन बारगोस. बिकॉज कंपेयर करूँ तो प्राइस के हिसाब से और टेस्ट वाइज बारगोस इज द बेस्ट. एंड थाई ग्रीन करी कोकोनट मिल्क से बनाया था, तो कोकोनट मिल्क वॉज डोमिनेटिंग द करी एंड इट वॉज सो यम सो डिलीशियस गाइस. तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा. स्टाफ से बात किया मैंने तो उन्होंने बताया, जो भी है आपने देखा मेरे वीडियो पे क्या क्या बोला उन्होंने, तो मैं एग्री करती हूँ उनकी बातों से कि हाँ, बारगोस इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू चाइनीज फॉर मी. हर इंसान का अलग टेस्ट होता है, तो आप लोग पहले ऑनलाइन ऑर्डर करिए, फिर बाद में देखना, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है देन डू ट्राई मोर. गाइस, मुझे बस यही बोलना था कि जाइए आप लोग ट्राई करना बारगोस. तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. ओके गाइस, मैं यहाँ पे अपना वीडियो एंड करना चाहती हूँ. गाइस, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई ब्लॉग. एंड मैं सोच रही थी मैं वो कोरियन 3x स्पाइसी नूडल्स का चैलेंज करूँ. मैंने ये 3x स्पाइसी नहीं खाया है, 2x स्पाइसी आई ऑलरेडी एट, तो मैं सोच रही थी बस. तो अगर मुझे करना चाहिए, अगर आप लोगों को लगता है देन प्लीज़ डू लेट मी नो. एंड ऑल्सो गाइज, टेक अ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, हेल्थ इज एवरी थिंग. तो मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगी इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. बाय.